हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम जाने वाले हैं बाहर, मैं और मेरा दीदी। उससे पहले हम कर लेते हैं स्किन केयर। सो एज यू ऑल नो, आवर स्किन गोज थ्रू अ लॉट एवरी डे। यूवी रेज एंड स्ट्रेस कैन टेक अवे इट्स नेचुरल हाइलुरोनिक एसिड, मेकिंग इट लुक डल एंड ड्राई एंड लीडिंग टू फाइन लाइंस एंड रिंकल्स। बट आई हैव फाउंड समथिंग दैट रियली हेल्प्स मी आउट विद माई स्किन प्रॉब्लम। इट्स द हिमालया नेचुरल ग्रो रोज फेस सीरम विद 5% नाइसिनामाइड एंड 5% रोज एक्सट्रैक्ट्स। इट्स सिंपल एंड इफेक्टिव एंड इट्स रियली हेल्प गिव योर स्किन अ लिटल फ्रेश। इट्स सुपर लाइट वेट एंड एब्सॉर्ब क्विकली इन टू द स्किन। इन जस्ट 1 week आई फेल्ट माई स्किन प्लम्पर, सॉफ्टर एंड विजिबली ब्राइटर। Apply 2-3 drops of serum on face and neck twice a day. Massage in upward circular motion gently till the serum get absorbed and follow with the sunscreen. You can also get flat 20% discount if you go check out the product today. Hey everyone, so अभी हम लोग निकल गए हैं घर से and मेरा दीदी और हमारा बॉडीगार्ड भी जा रहा है। बॉडीगार्ड आगे बैठा हुआ। ये ऑरिथ्रो ने मुझे स्पेशली ऑरिथ्रो ने भेज दिया है बॉडीगार्ड मेरे पीछे पीछे एंड नाना और मैं जा रहे हैं। नाना का इतना बाल ऐसा है कि दिखता ही नहीं है इसका सर मुंह। विदार मार्केट काफी मैं काफी दिनों के बाद जा रही हूँ, लाइक ऑलमोस्ट 8 months, 9 months के बाद जा रही हूँ। ऑलमोस्ट 1 year बोल सकते हैं आप। सो या देखते हैं क्या क्या होता है अभी। तो अभी हम लोग आए हैं पर्दा खरीदने और सॉरी बेड शीट खरीदने, घर के लिए बेड शीट खरीदने। अभी हम लोगों ने लिया इतना सामान एंड यहाँ से फिर और भी दुकान भी जाना है एंड इतना सामान लिया है तो भैया थोड़ा कम करके देंगे, डिस्काउंट करके देना चाहिए। तो अभी मैं ले रही हूँ झुमका, बहुत सारे हैं यहाँ पे। आई एम सो हैप्पी क्योंकि मैं ऐसे मार्केट में आफ्टर 9 months के बाद आ रही हूँ, तो हैप्पी। तो अभी हम लोग बैग ले रहे हैं क्योंकि सामान लेते लेते जगह ही नहीं अट रहा है बैग का। पिंक चाहिए क्या भैया आपको? हम लोग ब्लैक देख रहे हैं, भैया का लेके घूमना है इसीलिए, पर भैया को शायद पिंक पसंद है। आज मुझे मार्केट में व्लॉग बनाने में इतना प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि आई एम नॉट लाइक दैट कॉन्फिडेंट वाला लड़की जो रस्ते रस्ते में व्लॉग करके चले वो भी लोगों के सामने। हाँ ब्लैक कर दो, कम करने के बोलो भैया, कम कर दीजिए ना। फिक्स दुकान कब से बन गया आपका? दुकान आपका दुकान फिक्स कब से बन गया? 150 कर दीजिए, 150 कर दीजिए ना। हमको इतना सर दुख रहा है, नहीं तो हम बार्गेनिंग कर लेता बना रहे हैं। ऐसा नहीं है। चलो अभी मुझे बैग ले लिया हम लोगों ने, इसके बाद देखेंगे कुछ और। मैंने बहुत सारा सोचा था कि क्या क्या लूंगी क्योंकि आज हम मार्केट आए काफी दिनों के बाद, बट जब मैं मार्केट में घुसी सब कुछ भूल गई हूँ मैं। नाना ने यहाँ पे चप्पल ले लिया है, इतना क्यूट चप्पल मिला, वेरी क्यूट। नाना बार्गेनिंग कर रहा है, अभी दिखाएंगे, देखेंगे नाना का बार्गेनिंग स्टाइल कितना है। प्राइस कितना? 450 प्राइस। 300 रुपए में दे दीजिए ना। क्यों जा रहे हो? हाइट भी बढ़ गया 1500 भैया ले। तो अभी मैं ले रही हूँ मौसम्बी का जूस एंड दिस इज सो नाइस। वो चीज चाहिए वो वाला। हाँ निकालो। आज मैं दुकान में बेचने लग गई हूँ। क्या चाहिए बहन तुमको? ऊपर वाला के लिए हमारा भैया है ना, पर ऐसा कुछ अभी मुझे पसंद नहीं आ रहा है। मैं इतना अच्छा अच्छा झुमका है पर मेरे फेस के लिए होगा ही नहीं ना, मेरा फेस बहुत छोटा है गाइस। तो अभी हम लोग घूम ही रहे हैं, पता नहीं बहुत सर भी दुख रहा है एंड बहुत सारा सामान लेना है पर अभी याद नहीं आ रहा है। जब लेने को होता है तो कुछ याद नहीं आता है। बहुत सारा इयररिंग्स ले लिया मैंने क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है लेने का। ऑनलाइन में हम खरीदते ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ से बहुत सारा ले लिया, एक ही दुकान से बहुत सारा इयररिंग्स। और अभी मैं यहाँ पे सैंडल्स ट्राई कर रही हूँ, मुझे फ्लैट सैंडल्स चाहिए था एकदम सिंपल वाला। ये ले रही थी मैं सिंपल। इसका कितना है? कम कर दीजिए, मुझे उतना खास भी नहीं लग रहा है। इतना सिंपल है, देखो गाइस इतना सिंपल। 200 कर दीजिए ना, 350 ज्यादा हो गया मेरे लिए। स्टार्टिंग है मेरा दुकान में। कितना स्टार्टिंग है? 350 स्टार्टिंग है। फिक्स है क्या आपका यहाँ पे? 300 तो हम नहीं देंगे, इसमें ज्यादा हो गया। नहीं दोगे भैया? अभी हम लोग घर जा रहे हैं एंड मेरा बैटरी बहुत लो हो गया है इसलिए मैं वीडियोज नहीं।
तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं। मैं घर में जाके दिखाऊंगी क्या क्या खरीदा एंड अभी होने से मैं सिटी सेंटर जाऊंगी स्पेंसर कुछ कुछ लेने के लिए। एंड मैं एकदम स्टाइल करके बात कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। एंड अभी हम लोग ऑटो में जा रहे हैं, ऑटो सवारी ये तो, बोलेगा बोल रहे बोलना बनना। तो हम आए हैं सामान लेने घर के लिए बनना। तो अब हम आए सामान लेने तो अभी हम लोग आए हैं घर का सामान लेने के लिए। एंड ब्लॉग बहुत छोटा हो रहा था तो मैंने सोचा कि कुछ सामान ले लिया जाए क्योंकि मुझे चाहिए भी था। तो अभी हम लोगों ने लिया है इतना सामान बस इतना। हाँ पर ले मे रही हूँ पर ये डाले जा रही है पीछे से। डाल दीजिए अरे ये भी ले ले क्या और ये भी ले लो क्या अरे गिर गया भैया देखो ऐसा देवरा दिखा रहा है। बिंगो भी ले ले क्या तेरे अपने जेब से देना ले ले ये पूरा सब ले लेते देख चले जाते एकदम साल भर डाले जाओ इसमें इतना जंक फूड नहीं खाना चाहिए ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया बिल तू पे करना तब इतना निकाल डाल ही रहा है तो देना था मंगी देगी हम लोग का कोई टेंशन नहीं है ये आप खा सकते क्योंकि इसमें मल्टी फ्रूट्स है ठीक है इसमें 12 सीड रहता है ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हजमुला इन्हें के लिए हजमुला क्योंकि खाती तो नहीं पचाना तो पड़ेगा यहाँ से पे करना है जीपे ही करेंगे आपको ब्लॉग में डाल देंगे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना ऐसे पूछेगा तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगा बोल रहा आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आप एना तमंग का ब्लॉग देख सकते हैं उसमें आप आ जाओगे चलो हमारा लंबा सा बिल आ गया घर में बैठ के देखेंगे अभी तो नहीं देख पाएंगे चल दिन में चाय कितना कप 10-15 कप चाय और चाय पीने से हेल्थ क्या होता है मैं चाय भी नहीं पीती हूँ कॉफी भी नहीं पीती क्योंकि हेल्थ खराब होता है ओके हेल्थ खराब होने के लिए हेना के पास हेल्थ है क्या प्लीज कमेंट डाउन हेल्थ कहाँ पे है हेना का प्लीज कमेंट डाउन तो हम लोग अभी आ चुके हैं घर पे एंड देखते हैं मैंने क्या क्या लिया है। मैं दिखाना तो नहीं चाहती थी लाइक नेसेसरी नहीं है दिखाना बट लाइक मुझे दिखाने का मन कर रहा था मैंने क्या लिया कितने में लिया। तो फर्स्ट तो मैंने ये लिया है लाइट के लिए मेरा बाहर का स्टूडियो के लिए लाइट के लिए ये वायर है सबसे लास्ट में लिया है पर सबसे फर्स्ट दिखा रही हूँ आपको मैं। सो ये मैंने 90 लिया है जो कि मैं घर में बैठते हुए लगाऊंगी मुझे ऐसा कपड़ा बहुत अच्छा लगता है घर पे लाइक आप ऐसे ऐसे लगा के घूमो घर पे इतना ही है। सो ये मैंने लिया है कौन सी में 300 में मैंने ये लिया है वो भैया 700-800 बोल रहा था तो मैंने ये ओनली 300 में लिया है विदान मार्केट से एंड हांगकांग मार्केट से लिया है हांगकांग मार्केट से। एंड नाना ने ये फेस टॉवल लिया है कितना मिला जो है येलो कलर का गेस करो कितना है कितना मिला 100 रुपीज में लिया है 100 रुपीज में और काफी सॉफ्ट है फेस के लिए थोड़ा सा अच्छा ही है। ये नाइट सूट लिया है जो कि बहुत ही अच्छा कपड़ा का है एंड ये मैंने लिया है 700 बोल रहा था मैंने लिया है 450 रुपीज में एग्जैक्टली 450 रुपीज में। लास्ट टाइम मैंने लिया था 2200 रुपये में H&M से बहुत एक्सपेंसिव था तो मैंने ये ले लिया वगैरह लिया है घर के लिए मेरे वहाँ पे पापा के घर के लिए तीन बेड सेट एंड ये टेबल का वो डाइनिंग का वो लिया है जो कि मैं नहीं दिखाऊंगी ये मैंने बहुत इंटरनेट में दिखा था तो मैंने ये वाला हाँ ये वाला मैंने अभी बहुत वो भी हो गया है मतलब बहुत लोगों ने लगा चुका है बट लाइक मैंने सोचा कि मैं भी एक लेके रख देती हूँ घर पे और मैं भी इसने मेरा कॉपी किया है उड़ी माया लग रहा है दोनों को। नेक्स्ट मैंने लिया है ये इयररिंग एंड ये इयररिंग झुमका दिस इज सो प्रिटी आई लव झुमका एंड ये सारा मैंने बहुत ही कम प्राइस में लिया है गाइस। एंड जैसे कि मैंने बोला मैं बहुत बार
बहुत दिनों के बाद मार्केट जाती हूँ तो ना ऐसा झुमका मुझे बहुत चाहिए होता है वीडियोस बनाने के लिए, तो इसीलिए पहले से ही लेके रख दे रही हूँ। क्योंकि इस बार का फेस्टिव में भी मैं ना लाइक झुमका वगैरह जो भी था ज्वेलरी वगैरह ज्यादा नहीं पहन पाई क्योंकि मेरे पास था ही नहीं, मैंने खरीदा ही नहीं था एंड ऑनलाइन में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है शिपिंग चार्जेस वगैरह लेके, तो इसीलिए मैंने दुकान से ले लिया। तो ये काला बिंदी लिया एंड आई एम सो हैप्पी। मुझे ना ऐसा शॉपिंग करने में बहुत अच्छा लगता है, वो मॉल में जाके सामान लेने से अच्छा है। दिस इज सो नाइस, आई लव इट। ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ा, पता नहीं मुझे 300 रुपए का लिया ये, जो जितना भी मैंने देखा ना 200-150 में लिया है, पर ये मुझे 300 का मिला है। बट मुझे अच्छा लग जाता है ना तो मैं पैसा दे ही देती हूँ, मुझे मतलब नहीं होता है। एंड ये मुझे मैंने मांग टीका लिया है जो कि ऑब्वियसली डुप्लीकेट सोना है। ये लिया है मैंने, 140 रुपये लिखा हुआ है पर मैंने ये 90 रुपये में लिया है। एंड ये मैं लगाऊंगी जब मैं रील्स बनाऊंगी आप लोगों के लिए, मेकअप रील्स। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, हम लोगों ने लिया है ये बैंगल्स, थोड़ा ऑक्सीडाइज वाला चूड़ी लिया है लगा। आई लव इट, मैंने 100 रुपये में लिया ये। एंड ये मेरा दीदी ने लिया है, हम लोगों ने लिया है ये, दिस इज सो प्रीटी, 100 रुपीज एंड 100। एंड उसके बाद मैंने लिया है ये रबर बैंड जो कि बहुत काम आता है, और ये है 50 रुपीज, ओनली 50 रुपीज में मैंने लिया। 100 बोला, 300 बोल रहा था, मुझे पागल समझ जाएगा मुझे, पहले 300 बोला। हाँ तो फिर मैंने उसको 50 रुपीज में ले लिया। और उसके बाद हम लोगों ने लिया है बहुत सारा मिठाई, और ये थोड़ा सा फ्रूट्स भी है, और चॉकलेट्स है ना, चॉकलेट ये मेरे लिए नहीं है, हाँ, इसके लिए भी नहीं है, और इतरों के लिए नहीं, मैं चॉकलेट्स नहीं खाती, ये और इतरों के लिए ले और ये भी नहीं खाती है। और इसका फेवरेट फ्रूट गेस करो ये कौन सा है, ये जंगली फ्रूट है। जंगली तो नहीं है ये, हम लोग का उधर घर के उधर बहुत ज्यादा मिलता है, बट लाइक यहाँ पे नहीं मिलता है, बट यहाँ पे नहीं मिलता है, ये वेरी एक्सपेंसिव, बहुत अच्छा एक्सपेंसिव वाला प्राइस में मिलता है, टेस्टी बहुत टेस्टी। और ये खट्टा इमली नहीं है, मीठा इमली है, और हमें इमली बहुत पसंद है। ओ मुझे भी दो ना, लेकिन गाइस ये मीठा वाला है, खट्टा वाला नहीं है, आपको लगेगा हम लोग बहुत सारा खट्टा खा रहे हैं। अरे नीचे फेंक दिया, साफ करना है तू। ओके ओके। अरे आज का व्लॉग ना एक्साइटिंग बनाया है इसने, पता नहीं इसका रूप मैंने आज तक ऐसा वाला रूप नहीं देखा था। तो मैं बता दूं, सी इज माय रियल सिस्टर एंड वो खून का सिस्टर वाला है। लास्ट ईयर भी मैंने आपको उसको इंट्रोड्यूस करवाया था दिवाली के व्लॉग में, एंड इस बार फिर से मैंने बुला लिया है इसको घर पे टिकट कटवा के। हाँ इसने ही टिकट किया, मेरा तो कोई प्लान नहीं था सीरियसली आने का, इसने ही टिकट करके मुझे यहाँ पे बुलाया है। मैंने बोला कि करने के लिए दसाई के लिए क्यों घर के बाहर रहेगा, तो मैंने टिकट करके मैं बुलाया। मैं बहुत हैप्पी हूँ कि इसने मुझे बुलाया है ना, घर आने का मौका मिला। टिकट करके बुलाए तो कौन नहीं आएगा सीरियसली, और बहन बुलाए तो क्यों ना आओ, एनी टाइम अभी रोएगा, कोने में घुस के रोएगा। बहुत ज्यादा मैं जब लाइक स्पेंसर गई थी ना, तो सबसे ज्यादा मैंने ये रेमेंड लिया है। एंड आई एम सॉरी गाइस, आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग बोरिंग था, बट नेक्स्ट ब्लॉग मे बी काफी एक्साइटिंग और अच्छा आने वाला है। थोड़ा टाइम लगेगा। तो यार आज के लिए इतना ही था, तो अभी नाना खाना बना देगा मेरे लिए। खाने में बनेगा चामड़े भात और आलू का। चामड़े भात को क्या बोलते हैं हिंदी में, प्लीज कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है। चामड़े भात डिश तो वो तो खाता है, और दूसरे लोग भी खाते हैं, बट लाइक उसको नाम मुझे नेपाली में चामड़े भात बोलते हैं, मतलब अभी तो कितना दिन हो गया मैंने चामड़े भात खाया नहीं है, पर दिस इज सो नाइस, आई लव इट, बहुत ही फ्रिजी लगा है। दिवाली में पहन के घूमने वाली हूँ मैं सीरियसली। हांगकांग मार्केट जाओ तो बार्गेनिंग नहीं किया तो खत्म, और इसके साथ एना के साथ जाओगे तो एना तो छोड़ो, मेरे बार्गेनिंग करने में सर दर्द कर रहा है, बस इतना ही बोलेगी। मुझे पूरा सर दर्द करता है बार्गेनिंग करने में, उसके कुछ भी प्राइस बोलते हो, क्यू आर किधर है ऐसा करती है, तो इसके साथ फिर भी मैंने बहुत ट्राई किया। कोई भी शॉप पे जाएगा तो वो खुश हो जाएगा, ऐसा कस्टमर मिलेगा तो सीरियसली हांगकांग मार्केट में। तो आज वही हुआ, ये सब लिया। एंड या आज मैं एक्चुअली मैं ऐसा ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, बट लाइक फर्स्ट टाइम ऐसा ब्लॉग बनाया, बट ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा ब्लॉग चलता है अजीब गरीब। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही था, हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, अभी खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे, एडिटिंग करेंगे एंड नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। बाय गाइस।